फर्स्ट पेमेंट जो की बात कर रहा हूँ मैं अभी, मेरे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट 1-2। सो गाइज, हर संडे की तरह मैं आज इस संडे पर एक न्यू क्यूने वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। इसमें से मैंने आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के द्वारा, ऑडियंस के द्वारा, मेरे सब्सक्राइबर्स के द्वारा। सो गाइज, अगर आप एक क्रिएटर हो तो गाइज इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, और कहीं आप अगर आप क्रिएटर हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख ही लेना भाई साहब, क्योंकि ये जो वीडियो है ना काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो गाइज मैंने क्या किया, अपना यूट्यूब एप्लीकेशन यहां पर ओपन कर लिया, देन यहां पर मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया, यहां पर देख सकते हो साइड में। ओपन करने के बाद मैंने यहां पर कम्युनिटी पर गया, कम्युनिटी पर जाने के बाद मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने यहां पर लिखा हुआ था संडे के लिए क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं इस कमेंट वाले सेक्शन पे गया, एंड यहाँ पर कुछ 12 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें से काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी फनिस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर एकदम ध्यान से वीडियो को देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भाई चैनल डेड हो गया है, दोबारा से ग्रो करेगा? फनी जैक की तरफ से पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैनल कभी डेड नहीं होता है, कभी भी डेड नहीं होता है आपका यूट्यूब चैनल। अगर चैनल आपका सब्सक्राइबर्स, अगर मान लो अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गया है, देन आपके वीडियो का व्यूज़ जो है ना काफ़ी कम आ रहा है, तो वो एक्चुअल में जो आपके चैनल पर प्रॉब्लम नहीं, आपका ऑडियंस जो है वो आप किसी और पर पहले वीडियो अपलोड कर रहे थे और अभी किसी और पर वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो इसके कारण से आपका सब्सक्राइबर्स बोलोगे आपकी ऑडियंस इधर उधर हो जा रही है, ठीक है, जिसके कारण से आपको एक्टिव व्यूज़ नहीं मिल पा रही है और आप सोच रहे हो कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो डेड हो गया है। तो ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं होने वाला, और बात रहा कि दोबारा से चैनल ग्रो करेगा, तो भाई साहब एकदम 110% चैनल ग्रो करेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा मेहनत करो एंड थोड़ा सा ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को कवर करो, ठीक है, देन आपका यूट्यूब चैनल 110% ग्रो होगा। देन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं अलोन फैक्ट की तरफ से, मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा भाई, मैं दूसरे के शॉर्ट्स गेमिंग को अपलोड करता हूं फिर मोनिटाइज भी नहीं करूंगा, और सिल्वर प्ले बटन मिलेगा क्या? भाई ऐसे तो आपका सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन आप मोनिटाइज करो या फिर नहीं करो, आपको 110% मिलेगा ही मिलेगा अगर आपका कंटेंट जेन्युइन रहा तो। और रही बात, आपने शुरुआती में बोल दिया कि मैं दूसरे की वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ देन मोनिटाइज नहीं करूंगा, देन मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा या फिर नहीं, तो ऐसे में नहीं मिलेगा, आपका खुद का कंटेंट उस वीडियो में कुछ नहीं है भाई साहब, तो कैसे मिलेगा? अच्छा बताओ। तो ये हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A1 गार्ड ब्रो, अगर हम किसी भी बॉलीवुड सॉन्ग अपने वीडियो में यूज करते हैं तो हमें कॉपीराइट यूट्यूब देगा या गाने वाला? तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस चैनल से आप बॉलीवुड सॉन्ग को यूज़ करोगे अपनी वीडियो में, जैसे मान लो मैंने टी सीरीज़ के कोई सॉन्ग को अपने वीडियो के बैकग्राउंड पे लगा दिया या फिर वीडियो में लगा दिया, तो उससे क्या करेगा जो टी सीरीज़ का जो चैनल का ओनर है, वो डायरेक्ट आपके ओनर तो नहीं बोल सकते, जो उनके मतलब इम्प्लॉयज़ हैं वही आपको आपके वीडियो को टारगेट करेंगे, आपके चैनल पर कॉपीराइट देंगे आपको इस वीडियो पर, ठीक है। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन की ओर, अमन ऑफिशियल 10 के सरोज भाई, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अमन भाई जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सेम क्वेश्चन पूछे हैं दिव्या पंडित, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर मिलाता हूँ कि सरोज भाई तुम्हारी फर्स्ट पेमेंट आई थी प्लीज़ पिक माय कमेंट, और वही पूछे दिव्या पंडित, सर आपका फर्स्ट पेमेंट आया कि नहीं, अगर आया तो आपने उसका क्या किया प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। तो दोनों का मैं आंसर दे देता हूँ, यहाँ पर देख लो मेरा बटुआ है, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ कि कितना मेरा फर्स्ट पेमेंट आया और रियली में आया था मेरा फर्स्ट पेमेंट, और मैंने उस पेमेंट का क्या किया। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा पर्स है, सिंपली से एक्चुअली मैं यहाँ पर फट गया यार क्या बोलूँ। तो यहाँ पर मैंने पैसा निकाला, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से मैंने यहाँ पर कुछ पैसा निकाला एंड यहाँ से कुछ पैसा निकाला, ठीक है। यहाँ पर बटुआ को साइड रख देता हूँ फिलहाल में, देन इन दोनों पैसे को मैं मिलाता हूँ, अभी कितना हो रहा है आप लोग लाइव देख लेना कि मुझे कितना फर्स्ट पेमेंट मिला है, ठीक है, एकदम पूरा मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाइज मुझे फर्स्ट पेमेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मुझे फर्स्ट पेमेंट जो बोलोगे ना, यहाँ पर 500 के नोट हैं और 6 नोट्स हैं,
कितना है 6 नोट्स, तो 3000 हुआ, एंड 3000 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 6000, उसमें 1000 ऐड कर दो तो कितना हुआ 7000। 7000 के करीबन, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, 7000 के करीबन मुझे फर्स्ट पेमेंट मिला था। एंड मैंने उस फर्स्ट पेमेंट को यहाँ पर साइड में देख सकते हो, एक मंदिर, जितना भी मुझे फर्स्ट पेमेंट मिला था उस पेमेंट को सब मैंने मंदिर पर लगा दिया। ठीक है, तो यही है गाइज मेरे फर्स्ट पेमेंट की कहानी। मुझे यूट्यूब की तरफ से इतना ही फाइनली फर्स्ट पेमेंट मिला, मैंने अभी जो लाइव आप लोगों को बताया। ठीक है, तो गाइज यही है मेरे फर्स्ट पेमेंट की कहानी। मैंने जितना भी पेमेंट मिला था सब, मैं एक हनुमान जी का मंदिर है मेरे गांव में, सब फाइनली उस पैसे को लगा दिया। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितना जारी है की तरफ से अपने पिछले सवाल का जवाब दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आपने लास्ट क्यूने में बताया कि मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है और कब डीएक्टिव रहती है या चैनल डेड हो गया, तो आप बता सकते हैं कि चेक कैसे करूं? भाई सबसे पहले आप YT स्टूडियो पर जाओ, एंड YT स्टूडियो पर जाने के बाद एकदम क्रोम ब्राउजर से खोलना YT स्टूडियो को। देन वहां पर आपको क्या करनी है, एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पे जाने हैं। देन वहां पर आपको पूरा शो करेगा लिस्टेड बाय कि कितने बजे आपकी ऑडियंस एक्टिव रहती है शाम के, उस हिसाब से आप अपने वीडियो को अपलोड करो। सो गाइज यही है कुछ क्वेश्चंस जिसे मैंने अपने सवाल अपने जवाबों से आप लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश किया, कुछ आप लोगों के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को। सो गाइज उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोग अच्छी लगी है, और नेक्स्ट टाइम अगर आपके भी क्वेश्चंस को अगर पिक करवाना चाहते हो मेरे द्वारा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो मैं अगले शुक्रवार या फिर बृहस्पतिवार को कुछ पोस्ट करूंगा, वहां पर सिंपली से आपको कुछ क्वेश्चंस को पिक कर लेनी है, पूछनी है कि क्या मैं पूछ सकता हूं मेरे द्वारा, मेरे यूट्यूब चैनल द्वारा क्या कुछ प्रॉब्लम है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरे चैनल पर क्या प्रॉब्लम है, वहां सिंपली से पूछ सकते हो। मैं अगले संडे को उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सो गाइज उम्मीद करता हूं ये छोटी जानकारी आप लोग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।